हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमे। सामने आप देख रहे हो भाई द न्यू एज बलेनो, बिल्कुल न्यू बलेनो 2022, जिसके तगड़े हैशटैग चल रहे हैं भाई। उसका सेकंड वेरिएंट, बिल्कुल भाई सेकंड वेरिएंट है, डेल्टा नाम से है, वही सारी लाइनअप है, लेकिन चीज़ें बहुत कुछ चेंज हो चुकी हैं। सबसे पहली चीज़ हमें दिख रही है भाई सामने की प्रोफाइल। प्रोफाइल काफ़ी देखने में ऐसा लग रहा है जैसे स्लीक हो चुका है डिज़ाइन, बिल्कुल पहले जैसे लगता था आपको यहाँ पर मोल्डी सा डिज़ाइन होता था, अब शार्प एजेस दिख रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है चौड़ाई बढ़ चुकी है। लेकिन भाई चौड़ाई नहीं बढ़ी, डायमेंशन सेम है, एक्सेप्ट जो हमारी लेंथ है, लेंथ 5 mm कम हुई है बस। लेकिन भाई लुक्स और उसके अलावा इंटीरियर और फीचर्स वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। फिलहाल बात करें फ्रंट की, फ्रंट में इस तरह से मिल जाती है हमको यहाँ पर ग्रिल, और ये सेकंड वेरिएंट से ही देखने को शुरू होती है। जो हमारी ग्रिल है ये पूरी की पूरी रहती है हमारी ऐसी मैटी में, चाहे टॉप वेरिएंट चले जाएं। तो भाई ये चीज़ अच्छी है कि सब में ऐसे यूनिफॉर्म रखा है, बीच में सुजुकी का लोगो जो काफ़ी बड़ा हो चुका है पहले से, कमांड कर रहा है ग्रिल में। और भाई यहाँ पर ये जो क्रोम की पट्टी है, पूरी लाइनिंग है, ये हमारी नीचे के वेरिएंट में नहीं आती, इस सेकंड वेरिएंट से ही स्टार्ट हो जाती है। फॉग लैम्प हमको कोई नहीं मिलता, लेकिन हमको यहाँ पर प्रोजेक्टर ज़रूर मिल जा रहे हैं। हेडलैम्प हाई एंड लो दोनों यही काम करेगा, और हैलोजन बल्ब के साथ है। यहाँ पर हमारा इंडिकेटर है, सिंपलिस्टिक डिज़ाइन है लेकिन काफ़ी शार्प लग रहा है, अच्छा लग रहा है, स्लीक लग रहा है। और भाई धूम तो मचाने वाली है जैसे पहले मचाई है। ये हो जाता है फ्रंट अपना। अब आ जाती है बात साइड प्रोफाइल की, तो भाई ये है कुछ साइड प्रोफाइल गाड़ी की, देखने में आपको ऑलमोस्ट वैसी लगेगी, छोटे छोटे चेंजेस हैं लेकिन क्या है वो अब मैं दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ अगर डेल्टा वेरिएंट है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं उस पर गौर करते हैं। तो भाई यहाँ पर मिल रहा है 185/65 R15, 15 इंच का टायर है, 185/65 R15। उसके साथ ORVM हमारा यहाँ पर मिल रहा है, ऑटोमेटिकली फोल्डेबल है और साथ में रिट्रैक्टेबल भी है, बिल्कुल बढ़िया, सब कुछ सेकंड वेरिएंट में ही दे दिया है। इंडिकेटर यहाँ पर मिल रहा है, डोर हैंडल दोनों बॉडी कलर्ड हैं, बी पिलर ब्लैक डाउट मिल रहा है, ए पिलर ब्लैक डाउट है, मतलब इस तरह से पूरा फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट मिल रहा है आपको। पहले वाली गाड़ी में ये होता था, जो हमारा लास्ट वाला ये थर्ड क्वार्टर है, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता था ऐसे, लेकिन अब ये इस जगह से होता है। तो भाई छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन ओवरऑल अगर सबको कुल मिला के देखते हैं तो लग मस्त रही है गाड़ी। इस तरह से साइड प्रोफाइल है, व्हील बेस हमारा सेम है पहले की तरह, जो ग्राउंड क्लियरेंस हमारा वो ऑलमोस्ट सेम है पहले की तरह, और ओवरऑल लुक ज़बरदस्त हो जाता है। कलर बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में भाई, संग्रिया रेड बोलती है कंपनी इसको, सियाज में आता था, अब बलेनो में इंट्रोड्यूस हो चुका है। और बात करें कलर की तो भाई नेचर है मेटालिक इसका, और साथ में अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो एक तरह से मरून जैसा लग रहा है, लेकिन देखने में भाई शेड अच्छी लग रही है। यहाँ पर देखते हैं अगर हम रियर क्वार्टर पे, तो भाई इस तरह से भाई गजब की लग रही है, पीछे भी LED दे दिए यहाँ पर। बेस वेरिएंट से ही रियर लुक आपको ऐसे ही मिलेगा, टेल लैम्प में कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलता, इस तरह से तीन क्यूब दिख रहे हैं, ये भी LED में ऑलवेज ऑन रहेंगे जैसे लाइट जलती है। ब्रेक लगने पर आपको ये यहाँ पर दिख रहे हैं छोटे छोटे बल्ब, ये जलेंगे LED में ही हैं। यहाँ पर दोनों बल्ब हैं हमारे रिवर्स के लिए, और साथ में यहाँ पर ये मिल रहा है, ये देखो दिख रहा है छोटा सा भाई इंडिकेटर के लिए, दोनों हैलोजन है। इस तरह से रियर प्रोफाइल है, वाइपर इसमें भी नहीं मिल रहा, बेस में भी नहीं मिलता, लेकिन भाई डिफॉगर इसमें भी आपको मिल जाता है। स्पॉइलर आपको मिल रहा है इस तरह से, ठीक ठाक है, और जिसमें इंटीग्रेटेड है भाई हाई माउंट स्टॉप लैंप, ऊपर मिल जाता है आपको पावर एंटीना। पावर एंटीना सेम है, मतलब बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक आपको इस तरह का ही एंटीना मिलेगा। बलेनो यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़े से शार्प, जैसे देख रहे हैं ना तिरछा तिरछा सा हो गया, पहले खड़ी खड़ी फॉन्ट होती थी, अब न्यू एज है तो इस तरह से फॉन्ट कर दिया, बीच में सुजुकी का लोगो है। और भाई कैमरा देखते हैं इसमें, तो कैमरा भाई इसमें भी नहीं है ना, कैमरा नहीं है इसमें। 4 पॉइंट आपको मिल रहे हैं यहाँ पर पार्किंग सेंसर, और इस तरह से यहाँ पर मिलता है रिफ्लेक्टर। ये कुछ पूरी प्रोफाइल है, देखने में मस्त लग रही है, गजब लग रही है। साइड प्रोफाइल पर आता है, यहाँ मिल रहा है आपको फ्यूल फिलर कैप, पेट्रोल ओनली ऑप्शन है, मतलब कोई और ऑप्शन नहीं है पेट्रोल के अलावा। और कैपेसिटी की बात करते हैं तो भाई 37 लीटर की जो पहले आती थी वही आपको टैंक कैपेसिटी अब भी मिलती है। तो भाई ये हो जाती है पूरी गाड़ी, डेल्टा वेरिएंट है, दोबारा से बता दूँ सेकंड वेरिएंट है न्यू एज बलेनो का। अब बात कर दूँ अगर कीमत की, क्योंकि भाई ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत से लोग इंतज़ार करते हैं प्राइसिंग क्या है, तो भाई प्राइसिंग है इसके 7,19,000 रुपये, बिल्कुल भाई महंगाई के इस दौर में क्या ही लोगे, ज़बरदस्त लग रही है गाड़ी मेरे हिसाब से। तो फीचर अभी अंदर जाके भी दिखाता हूँ, जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं थोड़ी बहुत प्रीमियम और उसके साथ ज़रूरतें हैं वो सब ये पूरी कर देती है। 7,19,000 एक शोरूम कीमत है, और मैं समय कहाँ हूँ भाई, पूरा का पूरा शोरूम आप देख रहे हो, नेक्सा का शोरूम है। इस समय मैं हूँ बरेली में, और बरेली में ये है कोरल के नेम से, कोरल नेक्सा। तो भाई इस तरह से पूरी हो जाती है एक्सटीरियर। अब बात आती है इंटीरियर की, इंटीरियर के लिए चाहिए हमको चाबी, तो बिल्कुल ये है कि पुराने स्टाइल की ही है, लेकिन भाई काम की चीज़ क्या है, इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है। ये हो गई लॉक, ये हो गई अनलॉक, भाई चलते हैं गाड़ी के अंदर।
और ज़रा ये बाहर का हल्ला हो जाएगा ख़त्म जैसे ही अपने अंदर बैठेंगे। लेकिन फिलहाल बात करें हम ट्रिम की, तो भाई ट्रिम आपको मिलती है कुछ इस तरह की। यहाँ पर आप देख रहे हो भाई, इस तरह से आपको सॉफ्ट टच मिलता है, मैटी है टेक्सचर, लेकिन पूरा ये भी और ये भी सॉफ्ट टच है। नेवी ब्लू का कंट्रास्ट मिल जाता है आपको, ये हार्ड प्लास्टिक है, ये हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन ये भी नेवी ब्लू है भाई। नीचे बॉटल होल्डर मिल रहा है, स्पीकर आपको मिल जाता है इसमें चारों डोर्स में, बहुत बढ़िया, चारों पावर विंडो मिल रही है, और ये भाई आपके वन टच में डाउन हो जाती है, और एंटी पिंच फीचर भी है, बहुत सही भाई। उसके अलावा ये मिलती है बाकी पावर विंडो को डीएक्टिवेट करने के लिए, ये मिल रहा है बटन सेंट्रल लॉकिंग के लिए, मैनुअली करने के लिए, और भाई उसके साथ इस तरह से इसे दबाते ही इलेक्ट्रिकली फोल्ड हो जाएंगे मेरा, और इससे आप एडजस्ट करेंगे। तो भाई ये है पूरी ट्रिम, ट्रिम को करते हैं एक तरफ। अब बात आती है यहाँ की, मतलब सीट की। सीट पहले से चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, बोल्स्टर्स बड़े बड़े हैं, अंडर थाई सपोर्ट हम देखते हैं तो भाई इस तरह से आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी है। देख रहे हो, पुराने जुड़े हुए बंदे सब जानते हैं इस तरह से नपने के बाद कितनी जगह बचनी चाहिए अपने हाथ पे। हाइट एडजस्ट यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको हेडरेस्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अब जरा बैठते हैं इसमें। सबसे पहली चीज़, मैंने हेडलैम्प जला रखे हैं, इसको करते हैं एक बार बंद। टी हो रही थी ना, बड़ी शांति हुई है। तो भाई हेडलैम्प जलाने के बाद जो अंदर का एम्बिएंट लाइटिंग होती है, मतलब ये लाइटिंग, मैं उसके नहीं कह रहा भाई, नीचे लाइटिंग जो होती है वो टॉप वेरिएंट में मिलेगी, मिलेगी वो भी, लेकिन भाई यहाँ पर आपको इस तरह से एम्बर कलर में मिलता है, और ये मिल क्या रहा है भाई साहब, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। एक बार जरा चाबी ऑन करते हैं इसकी, और फिर दिखाते हैं आपको अंदर के नज़ारे। ये रही चाबी, और ये हो गए भाई, ये भर्राटा यहाँ पर शुरू हो गया है, और भाई इसको कर देते हैं यहाँ से बंद, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल रहा है म्यूज़िक सिस्टम, देख रहे हो इस तरह से, और भाई 7 इंच का है, जो पहले आता था प्रीवियस जनरेशन वही इसमें डाल दिया, क्योंकि सेकंड वेरिएंट है ये। 7 इंच का स्मार्ट स्टूडियो है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो दोनों इसमें दिए हुए हैं, बहुत सही। सेकंड वेरिएंट में ही आपको टच स्क्रीन मिल जा रही है, ये चीज़ अच्छी है, लेकिन इसको थोड़ा सा यहाँ पे ग्लॉसी कर देते तो भाई अलग ही चुम्मा हो जाता, कमी जैसी फील नहीं हो रही होती, लेकिन भाई आफ्टर मार्केट में सब कुछ हो जाता है। इसका भी जुगाड़ ले आएंगे, अभी देखना आप, आने दो जरा धीरे धीरे टाइम। तो इस तरह से ये हो गया, अभी बाकी चीज़ पे आऊँगा, फिलहाल बात कर रहे थे हम यहाँ की। जैसे हम लाइट जलाते हैं तो इस तरह से ये हमारा एम्बर कलर में इंटीरियर आ जाता है, ये लाइटिंग, ठीक है। अब लाइट कर दिया मैंने बंद, अब बात आती है इसकी। भाई यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड नीचे से ही इस तरह का क्लस्टर मिलता है, यहाँ पर आपको मिल रहा है टैको, यहाँ पर मिल रहा है स्पीडोमीटर, बीच में आपको मिल रही है MID, जिसमें आप इस तरह से स्टॉक से देख रहे हो, ट्रिप वगैरह चेंज कर दोगे, इसको करते हैं जीरो, चलो भाई जीरो हो गई, तो इस तरह से कर देंगे। और नीचे आपको मिल जाता है यहाँ पर फ्यूल गेज, और भाई ऊपर आपको टेम्परेचर भी मिल रहा है बढ़िया क्लॉक के साथ, इस तरह से हमारी जो माइलेज वगैरह है फिगर वो चेंज होती रहेंगी। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर क्लस्टर, क्लस्टर के बाद आ जाते हैं स्टेयरिंग पे। स्टेयरिंग में आपको कंट्रोल मिल रहे हैं किस चीज़ के भाई, हमारे म्यूजिक सिस्टम के, उसके नीचे टेलीफोनी का कंट्रोल दिए हुए हैं, सुजुकी का लोगो है, और भाई एडजस्टमेंट देखते हैं क्या बात है, एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है इसमें, और केवल टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। इसको करते हैं यहाँ पर लॉक, यहाँ पर दिया हुआ है मैनुअल वाइपर, साथ में दिया हुआ है मैनुअल हमारे हेडलैम्प, ठीक है। ये हो गई कहानी, इधर देखते हैं। हाँ भाई, अब ये भी जो फीचर है हमारा आइडल स्टार्ट स्टॉप, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ये भी कंपनी मतलब मारुति स्टैंडर्ड करती जा रही है। जैसे ही डुअल इंजेक्टर वाला सीन आ रहा है इंजन्स में, जिस जिस गाड़ी में डुअल इंजेक्टर इंजन आ रहा है उसमें भाई यही सिस्टम कर रहे हैं। अब सीन क्या है इसका, 5 सेकंड बाद ट्रैफिक में जाएगी गाड़ी, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी फ्यूल सेविंग के लिए, बिल्कुल आप दोबारा क्लच दबाओ दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, तेल बचेगा कुल मिला के, ठीक है। अब आ जाती है कहानी यहाँ की, तो भाई क्या बात है, मस्त लग रही है देखने में, ग्लॉसी फिनिश बेस वेरिएंट से दे दिए भाई इस तरह से, ग्लॉसी सिल्वर फिनिश यहाँ पर मिल रहे हैं आपको भाई वेंट, और उसके साथ बात करें टेक्सचर, टेक्सचर मिल रहा है आपको कार्बन फाइबर का, ये कुछ यहाँ पर और वैसे ही वहाँ पर, और भाई यहाँ पर भी, ये नीचे देख रहे हो यहाँ पर भी आपको कार्बन फाइबर वाले टेक्सचर मिल रहा है। नीचे देखते हैं, ये तो यूनिट बता दी मैंने, यहाँ पर देखते हैं 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पर देखते हैं USB पोर्ट है, इनपुट है यहाँ के लिए, म्यूजिक सिस्टम के लिए कुछ भी कनेक्ट करोगे उसके लिए, और यहाँ पर देखते हैं 5 स्पीड का गियरबॉक्स जो स्टैंडर्ड आता था, दो कप होल्डर यहाँ मिल गया, मोबाइल रखने की जगह ये है, और भाई उसके साथ आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं यहाँ पर। ये हो गई कहानी हमारी पूरी, और डे एंड नाइट वाला बिल्कुल दिया है क्योंकि बेस वेरिएंट में भी दे दिया। यहाँ पर देखते हैं लैंप कुछ इस तरह से, LED स्टैंडर्ड करनी चाहिए भाई, अब मज़ा उसी में आता है, थोड़ा सा प्रीमियम सा और ज़्यादा लगने लगता है इंटीरियर। यहाँ देखते हैं यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर देखते हैं तो भाई मिरर दे दिए हैं, बहुत बढ़िया, और टॉप वेरिएंट में तो भाई बड़ा सा मिरर है, फ्लैप खोलते हैं और लाइट जलती है अंदर, मस्त लगता है। तो भाई इस तरह से पूरा का पूरा हमारा, अगर बात करें इंटीरियर की तो कुछ ऐसा लगता है, ये देखो इसी को ले लें थंबनेल, चलो देखेंगे कुछ और बढ़िया प्रोफाइल मिली तो उसे देखेंगे। तो ये हो गई हमारी कहानी, डेडिकेटेड डेड पैडल यहाँ पर आपको दिख जाता है ये रहा, ठीक, और ABC पैडल ये दिख रहा है, हल्ला आपको फिर शुरू हो गया है देखना, एक बार अपने हिसाब से करते हैं, थोड़ी सी पीछे हो रही है सीट, सीट को करते हैं ज़रा आगे, हाँ तो ये हो गई सीट आगे अपने हिसाब से। अब ज़रा देखते हैं और
अरे लॉक है भाई, लॉक है, इसको करते हैं यहाँ से अनलॉक। और जरा ये मिल रही है कुछ ट्रिम पीछे की भाई, रियर में ये सीन है सेम आगे जैसा ही है, सारी चीज़ें वही, हमारा सॉफ्ट टच मैटी फैब्रिक मिल रहा है। ये हो गई हमारे यहाँ पर पावर विंडो का स्विच और नीचे स्पीकर ग्रिल बॉटल होल्डर सब ऐसे ही है। मेन चीज़ है स्पेस, क्योंकि अगर 5 mm कम करिए और जो बूट स्पेस है हमारा वो कम करा है तो भाई असर तो कहीं ना कहीं दिखेगा ना, बूट स्पेस कम हुआ है इसकी वजह से। भाई हमें लेग रूम बढ़ाया गया है, पहले देखते हैं अंडर थाई सपोर्ट। हाँ भाई बढ़िया है, आगे की तरह ही है, स्लांटेड है पीछे की, आगे की भी सीटें ऐसी थी पीछे की तरह और यहाँ की भी ऐसी। कंफर्ट इसमें बढ़िया आता है लॉन्ग ड्राइव में, हमें बेंच की तरह नहीं फील होता। और हेडरेस्ट भाई ऐसे में ही काम कर पाता है, जो हमारी सीटें पीछे की तरफ रहती हैं ना, इसमें ही हमारा बैठने का पोस्चर ऐसा आता है कि हेडरेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और ये सपोर्ट भी देता है। बाकी अगर सीधी सीट हो जाती है ना तो फिर हेडरेस्ट का भी मज़ा नहीं है और लंबे टाइम में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। भाई इसमें आपको मिल रहा है कुछ ऐसा स्पेस, देखो क्या बात है, निरा स्पेस है, ज़बरदस्त स्पेस है भाई, कोई कमी नहीं है। 5'5" हाइट है मेरी रेफरेंस के लिए, अंडर थाई सपोर्ट बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे दो मोटे मोटे बंदे हमारी तरह और एक बच्चा बैठ जाएगा, और अगर तीन बंदों की बात करें तो पतले बेल्ट का आराम से बैठ जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं 12 वोल्ट का सॉकेट है, चार्जिंग करो और यहाँ पर डाल दो, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, और उसके साथ सिक्के विक्के रखने का यहाँ स्पेस है, ये स्पेस है, छोटे छोटे स्पेस बहुत दे दिए हैं। ये सेकेंडरी लैंप है, आगे भी लैंप पीछे भी लैंप, बहुत बढ़िया। और भाई कोट हुक ये दे दिया यहाँ पर, एक ही जगह है और कहीं नहीं है। तो भाई यह है कुछ अंदर का मामला, यहाँ देखते हैं। तो भाई हेडरेस्ट यहाँ पर दे रखे हैं फिक्स और बीच में आर्मरेस्ट कोई नहीं है। और भाई देखते हैं स्प्लिट सीट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई कहानी पीछे की। और ये छोटा सा ग्लास जो है ये भी काफ़ी काम कर देता है भाई, जब सिर यहाँ पर टेक के लेटते हैं ना तो यहाँ से आती हुई रोशनी क्लॉस्ट्रोपोबिक फील नहीं होने देती, घुटन जैसे साइकोलॉजिकल जो फैक्टर होता है वो फीलिंग नहीं होती। चलो यहाँ से निकलते हैं, अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो भाई ये है अपना यहाँ पर बूट पहले की तरह, सबसे पहली चीज़ आपको पार्सल ट्रे मिल जा रही है सेकंड वेरिएंट में, चलो सही है। बूट पहले की तरह डीप है, थोड़ी सी लोगों में शिकायत होती थी कि भाई सामान निकालने में हमें थोड़ी तकलीफ होती है, और होती भी है भारी जब बैग होता है, लेकिन भाई मेन चीज़ है सामान रखने का जगह है इतनी हमारे पास, ठीक है। इतना डीप है, 15 इंच का करीब डीप है, लेकिन 319 लीटर का इसमें स्पेस मिल जाता है। पहले मिलता था 339 लीटर का 339, अब मिल रहा है 319, और इस तरह से आपका पूरा का पूरा माहौल मिल रहा है। लैंप इसमें नहीं मिलती, और भाई यहाँ पर आपको ये देख रहे हो, ये आपको क्लिप जरूर मिल जाता है कोई भी सामान वगैरह टांगने के लिए। तो भाई ये हो गई कहानी बूट की, इस तरह से मिल रहा है आपको हार्ड ट्रिम, और भाई ये हैंडल है, इसको करते हैं यहाँ से बंद। तो ये हुई कहानी इंटीरियर और एक्सटीरियर की, अब बात आएगी इसके इंजन की। बिल्कुल भाई इंजन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि माइलेज वाइलेज तो उसी ने ही देनी है ना आज का समय भाई, और मारुति के शोरूम में तो बिल्कुल भाई अफेक्शन होता ही है माइलेज से, और क्यों ना हो भाई, कंपनी जब दे रही है और इसी चीज़ का तो खेल है आज के समय में। इतने जब प्राइजेस ऊपर हो रहे हैं, बोनट को उठाते हैं, काफ़ी अच्छा खासा ठीक ठाक वेट है, पहले से इंप्रूव हुआ ये चीज़ है, उठा के बिल्कुल फील होगा। यहाँ पर देखते हैं हम, तो भाई क्लैडिंग दी हुई है आपको इंसुलेशन के लिए, ये आ गया इंजन अपना, कवरिंग है, थैंक गॉड पूरे तार का जंजाल नहीं दिख रहा। यहाँ पर अब डुअल इंजेक्टर वाले इंजन है, पहले आते थे 4 सिलेंडर, अब भी 4 सिलेंडर है, पहले 4 इंजेक्टर होते थे और अब है हमारे इसमें 8 इंजेक्टर। यहाँ पर देखते हैं नीचे भाई, तो कुछ इस तरह से पूरी की पूरी कवरिंग आपको दे दी है, देख रहे हो पूरा कवर्ड है। पावर की बात करें तो करीब 89 BHP की पावर मिल जाती है, पहले 83 BHP मिलती थी, अब 89 है, अच्छी चीज़ है, डुअल इंजेक्टर के बाद यह चीज़ हुई है, पावर बढ़ गई है। टॉक सेम है 113-114 NM के आसपास, और माइलेज भाई 22.5 की कंपनी क्लेम कर रही है, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। मतलब 1200 cc के इंजन के साथ अगर माइलेज ऐसी दे दे तो क्या ही कहना, वो भी प्रीमियम सेगमेंट। तो भाई ये हो जाती है गाड़ी कंप्लीट। अगर बात करें इसमें सेफ्टी फीचर की, तो भाई ABS विद EBD आपको इसमें मिल जाता है, और 2 एयरबैग इसमें स्टैंडर्ड रख दिए हैं। टॉप वेरिएंट में 6 मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आपको 2 मिलेंगे। तो ये पूरी की पूरी कहानी, इसी से ही ऑटोमेटिक भी शुरू हो जाता है, बिल्कुल हमारा AMT जो सिस्टम है, AGS बोलते हैं मारुति, वो भी इसमें शुरू हो जाता है, और उसमें आपको हिल होल्ड कंट्रोल फीचर भी मिल जाता है 50,000 ऊपर देकर, वो भी ले सकते हो आप, सही है। ऊपर के तीनों वेरिएंट में, मतलब डेल्टा, फिर उसके बाद जेटा, फिर उसके बाद अल्फा, तीनों वेरिएंट में हमको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है। तो भाई ये पूरी गाड़ी हो गई। कीमत बता दूँ दोबारा से, 7,19,000 रुपये एक्स शोरूम। बिल्कुल जो बेस वेरिएंट है इसका सिग्मा नाम से, उसकी कीमत 6,35,000 रुपये, इसकी कीमत है 7,19,000 रुपये एक्स शोरूम। डिटेल डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको कुछ भी कांटेक्ट करना है आप पता कर सकते हैं, सारी डिटेल ले सकते हैं। फिलहाल गाड़ी कैसी लगी, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है आपके हिसाब से भाई, बताना ज़रूर, और आपकी ओपिनियन क्या है कमेंट ज़रूर करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों का सब्सक्राइब करना संस्कार चैनल को। जय हिंद।